आप सबको बीबीटी गैस पेपर के द्विघात समीकरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक नंबर से हल करेंगे इस वीडियो में। इसके लिए कुछ शर्त को जानेंगे। सबसे पहले द्विघात बहुपद का शर्त क्या है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यदि कोई बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में हो तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, है ना। यहाँ पर तो द्विघात समीकरण कहा गया है। क्या कहा गया है? द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, और एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और सी क्या है, अचर पद। सी क्या है? अचर पद। सी को क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर पद। यानी अगर सवाल मेरा रहेगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो ए बराबर क्या लिखेंगे? दो। बी बराबर क्या लिखेंगे? तीन। और सी बराबर क्या लिखेंगे? सी के जगह मान लीजिए कोई अंक रहे, पाँच रह जाए, तो सी बराबर क्या लिखेंगे? पाँच। यानी जिसके साथ चार लगा हुआ रहता है और इसमें घातों की संख्या कहेगा तो दो बोलेंगे, घातों की संख्या कहेगा तो दो बोलेंगे। और द्विघात बहुपद बनाने का एक सूत्र भी है आपके बीच, द्विघाती सूत्र जिसको कहते हैं हम लोग। द्विघाती सूत्र होता है एक, जो याद रखेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूला को हम याद रखेंगे। बहुपद का शून्यक यानी कि द्विघात बहुपद का जो है कि शून्यक अल्फा और बीटा रहेगा, तो इस फार्मूला से हम द्विघात बहुपद निकालने भी सीखेंगे बहुत आसानी तरीके से। चलिए अभी एक ऑब्जेक्टिव आपके बीच, शून्यक 4,7। यानी कहने का मतलब है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक। यानी दो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? दो, दो। और दो शून्यक यहाँ पर दिया हुआ है। पहला शून्यक दिया हुआ है 4 और दूसरा शून्यक क्या दिया है? 7। कहता है द्विघात बहुपद शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या, मतलब द्विघात है या नहीं, वो नहीं, द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी। तो जरा सा देखिए, मान लीजिए कि अगर अल्फा बराबर 4 है और दूसरा शून्य बीटा बराबर कितना है? 7 है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद कितना होगा? तो द्विघात बहुपद मेरा सूत्र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह कितना हो जाएगा? 7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा? बीटा। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर 7 4 कितना होगा? 11x प्लस, सॉरी यहाँ भी डाल दीजिए आप, अल्फा का मान 4 इंटू में तो गुना हो जाएगा, बीटा का मान कितना हो जाएगा? 7, 7 4 कितना हो जाएगा? 28। जरा देखिए एक द्विघात बहुपद निकला इस शून्यक से। अगर इसको हम यहाँ पर 2 रख दे, 2x स्क्वायर माइनस 11 दुना कर दे सबको, 22x प्लस 28 दुना कितना हो जाएगा? 56। तो दूसरा द्विघात बहुपद निकल गया। फिर इसको 3 गुना कर देंगे तीसरा निकल देगा, 4 गुना कर देंगे चौथा निकल जाएगा। एवं प्रकार से अगर मेरा 2 शून्यक दिया हुआ हो तो अनंत द्विघात बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं। हमेशा याद रखेंगे, यदि 2 शून्यक हमें दिया हुआ रहे तो हम अनंत माने अनेक द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया होगा? आई होप कि आप समझे होंगे। आंसर नंबर डी इज राइट। इसी तरह अगले वीडियो को लेते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 2 लेते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 50 यानी 50 सॉरी 15x है, 0 का विविध कर। देखिए जब भी, और इस तरह का सवाल पूछता ही है, या विविध कर कहे, विवेचक कहे, विवेचक कहे, तो आप समझ लेंगे कि मुझे डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। विविध कर या विवेचक कहेगा तो डी। और डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत आसान है। डी बराबर फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी विवेचक बराबर फार्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविध कर बराबर फार्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब हम ये बी स्क्वायर कहाँ से लें, यही निकालने के लिए कहता है। क्या कहा है? विविध कर यानी
डी निकालना है। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स। चलिए जो समीकरण दिया हुआ है ना इसमें, तो एक्स का जो गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो एक कहलाएगा। तो एक्स स्क्वायर के नजदीक नहीं कुछ तो क्या है, एक। और एक्स का जो गुणांक होगा वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। हमेशा याद रखेंगे इस चीज को, जल्दी में बनाएंगे। वहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 15। और अचर पद को क्या कहेंगे, सी। सी क्या होता है मेरा, 50। सी दिया हुआ कितना, 50। चलिए बी के यहाँ फार्मूला क्या है, विभिन्न कर निकालना है मुझे। तो बी 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 का मान कितना हो गया है, माइनस 15। कितना है, माइनस 15। इस पर स्क्वायर है फार्मूला में, तो क्या देंगे, 4 गुना ए, एक एक्स स्क्वायर का गुना ए क्या है, 1। और सी सी के जगह कितना है, 50। ठीक है, तो 15 गुना 15 कितना होता है, 225। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ 50 को 4 से गुना कीजिएगा तो 5 कितना होगा, 20। यानी क्या हो जाएगा, 200। 225 में 200 चल जाएगा, कितना, 25। देखिए 25 है कहीं आंसर नंबर, यही जे बहुत बेहतरीन है। आप अच्छे तरह से समझेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव इधर उधर नहीं जाएगा। ये नहीं पूछ रही, इस टाइप का जरूर पूछता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला वीडियो। चलिए सवाल नंबर 3 में कह रहा है, द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y+2 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग होगा। आप याद रखें, द्विघात बहुपद ax² + bx + c का जब तुलना करते हैं हम लोग, तो इसका ये फॉर्मूला, यदि इसको अल्फा और बीटा मानते हैं, शून्यकों का योग, यानी शॉर्ट में आप यही समझिए, शून्यकों का योग। योग आप मेरे नियम को इसी तरह याद रखिए, इसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं और इसका फॉर्मूला -b/a होता है। यही याद रख लीजिए, ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड के पूरा नियम से नहीं, हम जो मेरा जो कि शॉर्ट नियम उसको याद रखेंगे। योग कहे तो अल्फा प्लस क्या कहेंगे, बीटा। और यदि यहाँ पर कहे हमको शून्यकों का गुणनफल, यदि कह दे, क्या कह दे, गुणनफल, तो याद रखिए अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला c/a। हमको इतना हिंदी देखने की जरूरत नहीं। अगर योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा c/a, यही याद रखना है। इसको याद रखिएगा तो इससे संबंधित कोई ऑब्जेक्टिव देखिए कितना आसान से बनाएंगे। क्या कहा हमको शून्यकों का बाबू, योग, तो छटाक से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। लिख सकते हैं योग को आप अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस भी बात है, यहां से लेंगे वाई एक्स के जगह वाई है, उससे कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर वाला का गुणांक ए कहलाएगा और वाई का गुणांक क्या कहलाएगा, बी। और यहाँ क्या कर, तो माइनस बी, जरा ध्यान दीजिए, माइनस बी, माइनस फार्मूला का रख दीजिए, बी के जगह वाई का गुणांक कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना है हमको। तो y का गुणांक क्या है यहाँ पर, 3 लिख सकते हैं। अब बटे क्या लिखा हुआ, a, ये तो y स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा, नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा, एक। अर्थात इसको लिख सकते हैं माइनस कितना, 3। देखिए माइनस 3 है कहीं, आंसर नंबर डी। कितना देर लगा, सिर्फ थोड़ी सी बातें याद रखनी है। और अब हम जितना भी वीडियो बनाएंगे द्विघात समीकरण का बहुपद का, तो आप इसको योग कहेंगे तो हम अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे, गुणनफल कहेंगे तो अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, और इजी वे में बनेगा। नंबर लेते हैं हम लोग, सवाल नंबर कितना, 4 है ना। फिर वही सवाल है, जस्ट अभी जो हम 3 नंबर बनाए वहां भी योग मांग रहा था शून्यकों का, और यहां भी क्या मांग रहा है, शून्यकों का योग। बट समीकरण वहां कुछ था, यहां से x² और -11x + कितना है, 3। योग कहने का मतलब क्या लिख लेंगे अब हम लोग, अल्फा प्लस बीटा, यही याद रखेंगे। योग का अल्फा प्लस, और इसका सूत्र कितना, -b/a क्या होता है, a। अब हम देखेंगे ये x का स्क्वायर a का मान कहलाएगा, x का स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक b का, और इसका दे, तो माइनस यहाँ फार्मूला का तो लिख ही देंगे जी। अब ब्रैकेट दे दीजिएगा, चूंकि डबल चिन्ह जब हो तो ब्रैकेट। अब देखिए b के जगह माइनस क्या आ सकता है, 11। आप ही लोग बोलिए b के जगह -11 चुनने आ गया, यहाँ पर -11 ब्रैकेट में दे देंगे। a के जगह क्या आएगा बाबू, 6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 11/6 क्या हो जाएगा, कटेगा क्या, नहीं। देखिए प्लस में 11/6 कहीं है, नहीं कोई चिन्ह दिया होता, आंसर नंबर सी इज राइट। समझ गए, चलिए सवाल नंबर आगे लेते हैं, 6। अब हम लोग सवाल नंबर क्या बनाएंगे, 5। करा द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक होंगे, है ना। तो शून्यक कहने का मतलब होगा कि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद है तो कैगो शून्यक होगा, दो। कितना शून्य होगा, दो।
तो दो शून्य निकालने के लिए तो हम उसका दो विधि से, एक इसका दो विधि जानते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से बनाते हैं और दूसरा क्या, हम पहले डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका? डी। डी निकालेंगे तो आसान होगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, होता है। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? एक बटे छः। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए का मान क्या होगा? वन। और सी का मान क्या होगा? माइनस टू। तो ब्रैकेट में दीजिएगा हमेशा में, मैट्रिक्स का जड़ है ये। तो अब इसको गुना कीजिएगा तो एक और छः का कितना हो जाएगा? छत्तीस। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? चार दुना कितना हो जाएगा? आठ। इसका लघुत्तम ले सकते हैं आप। छत्तीस कितना हो जाएगा लघुत्तम? तो यहाँ पर छत्तीस कितना हो जाएगा? एक प्लस आठ गुना क्या हो जाएगा? छत्तीस होगा। तो आठ छः अड़तालीस के आठ हासिल कितना रहेगा? चार। आठ या चौबीस है चार अट्ठाईस। अट्ठाईस इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? दो सौ नवासी। दो सौ नवासी होगा। सौ नवासी बटे कितना हो जाएगा? छत्तीस। कटेगा क्या? वीडियो म्यूट करो। अब ये आ गया कितना मेरा? दो सौ नवासी बटे कितना हो गया? छत्तीस है ना। अब एक्स का मान निकालना है तो इसका फॉर्मूला आता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट डी बटे टू ए। एक होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अलग में पहले निकाल ही लिए हैं, थोड़ा ये सवाल थोड़ा लंबा कैलकुलेशन में दे दिया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो अब चलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे बी। अब बी तो बी के जगह क्या हो जाएगा? माइनस है एक बटे कितना हो जाएगा? छः। प्लस माइनस है डी का मान अभी निकाले कितना? दो सौ नवासी बटे कितना हो गया? छत्तीस। अब बटे में आपका क्या? टू। ए का मान क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक एक हो जाएगा। तो आगे हम लोग इसको लेंगे माइनस वन बाय सिक्स प्लस माइनस, है ना। दो सौ नवासी का वर्गमूल कितना होगा? सत्रह। और छत्तीस का कितना हो जाएगा? छः। बटे दो है ना। यस सर। बराबर क्या हो जाएगा? दो बटे में, ठीक है। इसको हम अलग कर लेंगे एक्स बराबर एक बार माइनस में एक बार प्लस। माइनस एक बटे छः प्लस सत्रह बटे छः, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा? दो कोमा एक बार क्या? माइनस एक बटे छः माइनस सत्रह बटे छः बटे टू, ठीक है। ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे, छः और छः का लघुत्तम होगा छः। तो छः माइनस एक प्लस कितना हो जाएगा? सत्रह। याद रखें इसको गुना में भेज दोगे तो एक बटे कितना हो जाएगा? दो कोमा। यहाँ भी उसी तरह करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? छः लघुत्तम लेंगे माइनस एक माइनस सत्रह हो जाएगा। गुना में भेजोगे तो एक बटे कितना हो जाएगा? दो। अब जरा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कट जाएगा, सत्रह में एक जाए कितना बचेगा? सोलह। बटे छः गुना एक बटे कितना हो जाएगा? दो। यहाँ पर हो जाएगा माइनस सत्रह माइनस एक, माइनस कितना हो जाएगा? अठारह। बटे कितना हो जाएगा? छः एक बटे दो। ध्यान से इसको रोक रोक करके देखिएगा, ऐसा ही टफ दे दिया है थोड़ा सा। दो से कटाएंगे दो का दो और दो अट्ठे कितना हो जाएगा? सोलह। फिर यहाँ पर कटेगा ये दो चौक आठ, द्वितीय कितना हो जाएगा? छ। यहाँ पर आंसर फाइंड हुआ कितना? चार बटे तीन। दूसरा शून्य मेरा क्या कट रहा है? दो का दो दो नंबर अठारह, तीन से तीन तीन नौ, तीन चौक ये तीन दूना छ, ठीक है। तो ऊपर में बचा माइनस तीन बटे कितना बच रहा है? दो। तो माइनस तीन बटे दो और चार बटे दो, देखिए इसमें कहाँ है माइनस तीन बटे दो चार बटे तीन, माइनस तीन बटे दो आ गया और चार बटे कितना हो गया? आंसर नंबर बी इज ए राइट। थोड़ा सा इसको रोक रोक करके देखें, कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा, एक आध थोड़ा मास्टर वाला देता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर लेते हैं छः।